हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें मैं कुछ लेके आया हूँ। टॉपिक ये है कि बी रेडी विथ योर कॉलेज लिस्ट, यानी कि अभी आप सिर्फ एक कॉलेज की लिस्ट बनाइए पेन एंड पेपर के, उसमें छोटी से छोटी लिस्ट, मतलब जितनी भी आपको कॉलेज की लिस्ट है वो बनाइए। आपको जो फेवरेट कॉलेज है वो लिखिए, जो कॉलेज में आपका एडमिशन मिल रहा है, जिसमें आपके चांसेस है वो वाली कॉलेज लिखिए। उसके अलावा आपकी जो ड्रीम कॉलेज है वो कॉलेज लिखिए। जितनी भी तरह की कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन लेना है वो सिर्फ अभी एक लिस्ट बनाइए। अब देखिए, आज का वीडियो में मॉक राउंड के ऊपर होने वाला है, कॉलेज लिस्ट के अराउंड होने वाला है, किस तरह से चॉइस फिलिंग करने वाला है, वो सब कुछ आज के टॉपिक में कवर होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। अब देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कॉलेज लिस्ट बनाने की बात कर रहा हूँ फॉर मॉक राउंड। अब ये जो मॉक राउंड है, जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ प्रैक्टिस राउंड है और एक इंफॉर्मेशन राउंड है, कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल राउंड वन किस तरह से परफॉर्म होगा, चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी होगी, सबमिशन किस तरह से होगा, रिजल्ट में क्या आएगा, कितनी कॉलेज होगी, वो सब कुछ प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए ये जो मॉक राउंड है वो आपको ऑप्शन दिया जाता है। ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता है पूरी प्रोसेस के, और इसमें आपके पास अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन होता है, यानी कि चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी लिमिट नहीं होती है। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है जितने भी कॉलेजेस है, जिसमें आपको जो मैं फिर से, अब देखिए इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं रियल लाइफ डेमो आपको दिखाऊंगा, यानी कि पेन एंड पेपर के। मान लीजिए कि सिर्फ मैं ही हूँ आपकी जगह पे, मैं हूँ कि मुझे कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, तो मैं किस तरह से मेरी चॉइस फिलिंग करूंगा, बट वो 2-3 दिनों में अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं पूरा आपको लिस्ट बनाऊंगा। बट अभी के लिए आप एक सिर्फ लिस्ट बना के तो रखिए। उसमें मैंने जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लिखा है कि स्मॉल कॉलेज होगी, आपकी फेवरेट कॉलेज होगी जिसमें आपका एडमिशन मिल रहा हो, जो भी कॉलेज में आपको ऐसा लग रहा है कि निर्मा मैकेनिकल मुझे मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ये पीछे की बात है, उसके बाद की बात है। बट अभी तो आप सिर्फ एक पेन एंड पेपर के लीजिए कि मैं जब भी चॉइस फिलिंग करने जाऊंगा तब मैं ये कॉलेज कंसिडर करूंगा। तो इसीलिए आपके पास अभी तो हजारों चॉइस है, तो आप थोड़ी सी उसमें से 50 से 100 चॉइस तो ऐसे निकालिए, ऐसी कॉलेज और ऐसी ब्रांच निकालिए कि जो आप आगे चल के अपने एडमिशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिक्वेंस में ढूंढिए, आप पेन एंड पेपर लेके सिक्वेंस में लिखिए, यानी कि निर्मा, उसके बाद एलडी, पीडीपीयू। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अभी आप कुछ भी करके सिर्फ कॉलेज की नाम लिखिए कि ये कॉलेज में, ये ब्रांच में मुझे एडमिशन लेना है। फिर आप पहले दर्शन रखे, उसके बाद निर्मा लिखे, कोई भी लिखे, मैटर सीक्वेंस है वो डजंट मैटर। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि पेन एंड पेपर के ऊपर कॉलेज लिखिए। अब देखिए, मैं जो एग्जांपल समझाने वाला हूँ उसमें मैं ये 3-4 तरह के डेमो आपको देने वाला हूँ। मैं सबसे पहला कंसिडर करूंगा कंप्यूटर और आईटी स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों का मेरिट रैंक 3000 से लेके 5000 के बीच में होने वाला है, तो मैं पेन एंड पेपर के ऊपर आपको यहाँ पे मैं आपको सिक्वेंस में लिखाऊंगा। बट अभी के लिए आप सिर्फ लिख लीजिए कि मुझे इस कॉलेज में, इस ब्रांच में, कंप्यूटर आईटी में मुझे इस कॉलेज में लेना है, तो अभी सिर्फ आप इतना लिखिए। बाद में मैं जब मेरा डेमो दिखाऊंगा कि जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये तरह के आपको सीक्वेंस होने वाली है, तो वो आप तब करना सीक्वेंस, बट अब आप सिर्फ अभी के लिए एक लिस्ट लेके आओ जिसमें सारी कॉलेज होगी। दूसरा मेरा एग्जाम्पल होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, कि जिस स्टूडेंट्स का मेरिट रैंक 10,000 से लेके 15,000 के बीच में होने वाला है, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल ऐसा लेने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स मुझे ऐसा कमेंट करना मत करना कि मैकेनिकल के लिए मुझे 5000 मेरिट रैंक है तो उसकी लिस्ट बनाइए। अब देखिए, ऑब्वियसली बात है कि 10,000 जिसका मेरिट रैंक है तो उसमें मैं 5000 वाले को भी डाल दूंगा, तो 5000 तो इसमें इंक्लूड होगा वो स्टूडेंट्स, उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं होगा। 10,000 मेरिट रैंक में जो ऊपर की 5 कॉलेज होगी ना, वो हो जाएगी 5000 मेरिट वाले की, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। बट अभी मैंने, और मैं कितनी बार रिपीट करूंगा, अभी भी रिपीट करूंगा, कि सिर्फ पेन एंड पेपर पे लिखिए कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तीसरा एग्जांपल मेरा रहेगा कंप्यूटर आईटी स्टूडेंट्स के लिए, कि जिस स्टूडेंट्स का मेरिट रैंक अराउंड 12,000 से लेके 15,000 तक रहेगा। अब फिर आप जैसे ही आपका जिस तरह का रिस्पांस आएगा, जिस तरह की कमेंट मुझे मिलेगी, फीडबैक मुझे मिलेगा, उस तरह से मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए ये 3 तो फिक्स ही रहने वाला है, और इसके अलावा 2-3 वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा। तो अभी के लिए मैंने जैसे कि बोला कि अब मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अभी के लिए देखिए आपको क्या करना है, हो सके उतनी ज्यादा कॉलेज का कैंपस विजिट कीजिए, रिव्यूज देखिए यूट्यूब पे, गूगल पे, शिक्षा.com, Career360 वेबसाइट के ऊपर। उसके अलावा आप सिर्फ फीडबैक लीजिए, किस तरह की कॉलेज है, प्लेसमेंट क्या है, वो सब कुछ अभी आप रिसर्च कीजिए। अभी इतना ही करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको समझा दूंगा कि लिस्ट किस तरह से बनाए, क्या करना होगा। अभी सिर्फ आप एक लिस्ट बना के तैयार रखिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मैं वीडियो में इतना ही है। अब देखिए वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया कि लिस्ट बना के रखिए और इसके बाद ये स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट है कैंपस विजिट का। मैंने आपको एक वीडियो बना के रखा है कि कैंपस विजिट में आपको क्या कुछ करना है, किस तरह के स्टूडेंट से फीडबैक लेना है। उसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोज काफी सारे मिल जाएंगे, बट यहाँ पे देखिए कि वीडियो यूट्यूब में वीडियोज में मैनिपुलेशन होता है, यानी कि सच्चाई कुछ और होती है, यूट्यूब वीडियो में डिफरेंट हो सकता है। बट मैंने जिस तरह से बनाया था एक वीडियो आपको शायद पता होगा, ऑनेस्ट रिव्यू LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें मैंने पूरी रियलिटी पूरी सच्चाई खोल दी थी। तो ऐसे वीडियोस देखना, मैं ऐसा नहीं बोला हूं कि किसी ने बुरा किया किसी ने अच्छा किया, बट एक बार देखना कि मतलब ट्रस्टेबल हो, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये सब करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट, छोटे से छोटा डाउट हो फिर भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हो, यहाँ पे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसके अलावा कुछ भी हो तो नीचे मैंने सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से भी लिंक कनेक्ट कर सकते हो। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।